सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे विपक्षी गठबंधन को तगड़ा झटका लग गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया। मतलब इस सीट पर अब बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का उम्मीदवार मैदान में नहीं उतर पाएगा। खजुराहो लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन इस सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल थी। इसी दिन समाजवादी पार्टी की मीरा यादव ने पर्चा भरा, लेकिन जिले के कलेक्टर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। इसके बाद तो वहां सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि वहां से विपक्षी गठबंधन की उम्मीदवार मीरा यादव के नामांकन रद्द होने का मतलब ये हुआ कि इस सीट पर बीजेपी को एक तरह से वॉकओवर मिल गया। मतलब वहां बीजेपी उम्मीदवार और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा का पलड़ा और भारी माना जाने लगा, क्योंकि अब उस सीट से किसी को भी नामांकन करने की इजाजत नहीं होगी। इसके बाद बीजेपी वहां अपनी जीत को लगभग तय मानने लगी। हालांकि वहां मायावती की पार्टी बीएसपी समेत कई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती माने जा रहे विपक्षी गठबंधन की उम्मीदवार मीरा यादव खजुराहो लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और इसी बात से समाजवादी पार्टी बुरी तरह भड़क गई है। सीट कांग्रेस ने इस बार समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन इस सीट पर पर्चा भरने वाली समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव को झटका लग गया, क्योंकि उनका नामांकन रद्द हो गया। इस बात से भड़की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हुआ। हालांकि नामांकन रद्द करने का फैसला लेने वाले खजुराहो के कलेक्टर के मुताबिक समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव के नामांकन फॉर्म में सिर्फ एक जगह पर साइन किए गए थे, जबकि नियमों के मुताबिक उन्हें दो जगहों पर साइन करने थे। इसके अलावा उन्होंने वोटर लिस्ट में अपना नाम होने से जुड़े दस्तावेज भी नामांकन फॉर्म के साथ नहीं जमा की, और दावा किया गया कि इन्हीं वजहों से उनका नामांकन फॉर्म रद्द हो गया। हालांकि मीरा यादव और उनके पति दीप नारायण यादव ने दावा किया कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इससे पहले इसी खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बदल कर सबको चौंका दिया था, क्योंकि 30 मार्च को आई लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने खजुराहो से मनोज यादव को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन 1 अप्रैल को इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया और मीरा यादव को वहां से टिकट दे दी थी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी सूफी मौलाना हजरत